हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 31। तो बेटे, ये 11वीं यूनिट का 31वां वीडियो है, और इससे पहले 30 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है जियो लाइट, और जियो लाइट को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? जियो लाइट। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो आप, जियो लाइट। जियो लाइट के बारे में आज हम बात करेंगे, जियो लाइट क्या होता है। आप अपनी नोटबुक में जल्दी से हेडिंग लिख लो, जियो लाइट। देखो, आपको पता है कि हमने इससे पहले पढ़ा था सिलिकेट के बारे में, सिलिकेट पढ़े थे ना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो हमारे पास कोई सिलिकेट की संरचना है, सिलिकेट की त्रिविमीय संरचना होती है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट का। तो मान लो हमारे पास कोई सिलिकेट है, और उस सिलिकेट में होते हैं सिलिकन परमाणु, तो होंगे ही उसमें, ये बात तो पक्की है, और उसमें बहुत सारे सिलिकन परमाणु होंगे। तो आते हैं Al3+ आयन, ध्यान से सुनो, Al3+ आयन आते हैं, और वे कुछ सिलिकन जो SI है, SI परमाणुओं को हटा देते हैं उनकी जगह से, और Al3+ आयन SI परमाणुओं को हटाकर उनका स्थान ले लेते हैं। सारे SI परमाणु नहीं हटते हैं, कुछ SI परमाणु हट जाते हैं और उनकी जगह कौन आ जाते हैं? Al3+ आयन। तो इस तरह हमें प्राप्त होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट, और इन एल्यूमिनो सिलिकेट को ही हम कहते हैं जियोलाइट। ठीक है, देखो क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि सिलिकेट की संरचना में से कुछ SI परमाणु, चलो यहां से लिखते हैं, जब सिलिकेट, जब सिलिकेट की संरचना में से, सिलिकेट की त्रिविमीय संरचना होती है, सिलिकेट की बड़ी संरचना होती है, जियंट स्ट्रक्चर। जब सिलिकेट की संरचना में से कुछ सिलिकन परमाणु किनके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं? Al ट्रिपल पॉजिटिव आयंस द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट। तो एल्यूमिनो एल्यूमिनो सिलिकेट एल्यूमिनो सिलिकेट प्राप्त होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट प्राप्त होते हैं। और ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट हमें प्राप्त होते हैं ना, इन्हें ही हम कहते हैं जियोलाइट। इन्हें का मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट को, इन्हें ही जियो लाइट्स कहा जाता है, यानी जो एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं जियो लाइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जियो लाइट। अब जियो लाइट की संरचना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। हेडिंग लिख लो आप संरचना, हेडिंग लिख लो संरचना। तो जियोलाइट की संरचना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ध्यान से समझना।
देखो, यदि आपसे कोई पूछता है कि जियोलाइट का सामान्य सूत्र बताओ क्या होता है, सामान्य सूत्र जियोलाइट का, तो आपको बताना है कि मेटल है और इसकी संख्या होगी एक्स बटे एन। मैं बताऊंगा आपको कि एक्स क्या है और एन क्या है, ठीक है? और इसके साथ होगा AlO2, और इनकी संख्या होगी एक्स। AlO2 की संख्या कितनी होगी? एक्स। और SiO2, इनकी संख्या होगी वाई, ब्रैकेट बंद। और इसके साथ जल के अणु भी होंगे, और जल के अणुओं भी कुछ संख्या होगी, जैसे जेड जल के अणु उपस्थित होंगे। तो ये सामान्य सूत्र होता है जियोलाइट का। आपको सामान्य सूत्र ऐसे लिखना है, यहाँ एक्स और वाई तो संख्याएं हैं, कुछ भी संख्या है एक्स या वाई, ठीक है? पर जेड और एन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ लिख लो नीचे, जहाँ जहाँ एन क्या है, जहाँ एन, ये वाला एन, एन का मतलब होता है कि जो धातु का धन आयन है उसके ऊपर कितना आवेश है। तो आप लिखोगे धातु धनायनों या धनायन पर आवेश, धातु के जो धनायन होते हैं उन पर जो आवेश है उस आवेश की मात्रा है n। और जेड क्या है? जेड है, ये जो जेड है ये है जल के अणुओं की संख्या। जेड है जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो एक तो आपको जियोलाइट का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको कि यदि आपने जियोलाइट को देखो, जियोलाइट में जल के अणु होते हैं ना, जियोलाइट में ये जल के अणु होते हैं, ये लिखे हुए हैं जो जेड। तो यदि आपने निर्वात में जियोलाइट को गर्म कर दिया तो ये जल के अणु उड़ के भाग जाएंगे, जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं सारे। और जब जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं ना तो जियोलाइट हो जाता है छिद्रित, पोरस, ऐसा हो जाता है। देखो जैसे ये मेरे पास स्पंज है ना, ये छिद्रित है ना, जैसा डबल ब्रेड होता है या बंद होता है या रस्क, तो जियोलाइट ऐसा ही हो जाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसा हो जाता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता या भीरड़ का छत्ता होता है। तो वो जो उसमें पोर से छिद्र बनते हैं वे क्यों बनते हैं? क्योंकि जियोलाइट को जब भी आप निर्वात में गर्म करोगे तो ये जो जल के अणु हैं ये उड़कर भाग जाएंगे सारे, उड़ जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। और इनके उड़ने के कारण उसमें जगह हो जाएगी खाली, तो उसमें बहुत सारे छिद्र बन जाएंगे, रंध्र बन जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप जियोलाइट को निर्वात में गर्म करोगे तो जल के अणु अलग होने के कारण जियोलाइट कैसा हो जाता है? सरंध्र हो जाता है, ठीक है? तो यहां लिख लो इस बात को, निर्वात में गर्म करने पर, निर्वात में गर्म करने पर, निर्वात में गर्म करने पर इसके जल के अणु, इसके माने किसके, जियोलाइट के, इसके जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। जल के अणु क्या हो जाते हैं? वाष्पित। जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं, जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं, अतः यह माने क्या है, जियोलाइट यह सरंध्र हो जाता है, यह सरंध्र हो जाता है, यानी पोरस हो जाता है, छिद्रित। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो सरंध्र हो जाएगा तो इसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण हम इसे उत्प्रेरक की तरह प्रयोग करते हैं अब जब ये सरंध्र हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहां इस बात को लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इसलिए इनको उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है। आप लिख सकते हो इसलिए या अतः इनको, इनको माने किसको, जियोलाइट को,
इनको उत्प्रेरक की तरह, उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है, इनको उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा इन्हें क्लास ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ में भी जियोलाइट हमारे कोर्स में है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ इतना सीखना है कि जियोलाइट का मतलब यह है कि सिलिकेट जो होते हैं उसमें से एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन सिलिकन के कुछ परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, जिससे हमें प्राप्त होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट, और एल्यूमिनो सिलिकेट को ही हम कहते हैं जियोलाइट। एक तो ये बात ध्यान रखो, दूसरी बात ये ध्यान रखो कि इनकी संरचना में सामान्य सूत्र इनका ये होता है जो मैंने बताया, यहाँ एन धातु धनायन पर आवेश है ये एन, और जेड है जल के अणुओं की संख्या। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी निर्वात में आप जियोलाइट को गर्म करोगे तो इनके ये जल के अणु वाष्पित होकर उड़ जाएंगे, जिसके कारण इनकी जगह खाली हो जाएगी और जियोलाइट हो जाएगा सैरंध्र। सैरंध्र हो जाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जियोलाइट को प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक की तरह, पर इस उत्प्रेरक में जो जियोलाइट उत्प्रेरक होता है ना, इसमें एक खासियत होती है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें, पहले तो आप एक काम करो, पोज करके लिखो, फिर बताता हूँ इसकी खासियत। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। देखो जियोलाइट की खासियत यह होती है कि इनके छिद्रों का जो आकार है वो एक निश्चित आकार होता है, और निश्चित आकार होने के कारण इनके छिद्रों में एक निश्चित आकार के जल के अणु, जल के क्या, आप यूं मान के चलो जब आप इसे उत्प्रेरक की तरह प्रयोग कर रहे हो तो उत्प्रेरक अभिकारकों के अणु को अपनी सतह पर चिपकाते हैं। यानी मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में अभिकारक हैं, तो अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जो आपके जियोलाइट उत्प्रेरक के छिद्र हैं उनका साइज निश्चित है, और निश्चित है तो उसमें निश्चित आकार के अणु ही अपने आप को प्रवेश करा सकते हैं। यानी उन छिद्रों में निश्चित आकार के अणु, किसके अणु, अभिकारक के अणु जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अभिकारकों के एक निश्चित आकार के अणु ही उनमें प्रवेश कर पाएंगे, और निश्चित आकार के अणु जो प्रवेश कर पाएंगे वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उन्हीं के रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, और बाकी जो दूसरे अभिकारक अणु हैं जो उन छिद्रों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े हैं साइज में या ज़्यादा छोटे हैं, तो वे जब छिद्रों में प्रवेश नहीं करेंगे तो जियोलाइट उन अभिकारकों की अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाएगा। जियोलाइट केवल उन अभिकारकों की अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है जो अभिकारक अणु उसके छिद्रों में आसानी से अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। यानी इसका जो उत्प्रेरक गुण है ना, वो सेलेक्टिव है, इसे कहते हैं वर्णात्मक गुण। तो उत्प्रेरक में भी वर्णात्मकता होती है, यानी सेलेक्टिविटी होती है इसके अंदर भी। ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक जो है जियोलाइट किसी भी रिएक्शन में आप डाल दोगे और वो किसी भी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उन अभिकारकों वाले रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाएगा जो अभिकारक अणु उसके छिद्रों में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, रखोगे ना ध्यान, तो आप लिख सकते हो कि इनके छिद्रों में, यहाँ से लिख सकते हो, चलो इनके छिद्रों में किसके, जियोलाइट के, इनके छिद्रों में कुछ विशेष, कुछ विशेष प्रकार, कुछ विशेष प्रकार व आकृति भी आप कह सकते हो, आकृति कह दो या आकार कह दो, आकार भी कह सकते हो, साइज, आकार के अभिकारक अणु, के अभिकारक अणु ही
अभिकारक अणु ही प्रवेश कर पाते हैं। तो सभी अभिकारक अणु या हर तरह के अभिकारक अणु इनके छिद्रों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो जियोलाइट होते हैं ना, ये आकृति वर्णात्मकता दिखाते हैं। अभिकारक अणु की आकृति आकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये उस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को लिख सकते हो कि इन्हें आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कह सकते हैं हम, इसलिए इन्हें आकृति आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखियो, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि आपको कौन सी चीज अंडरलाइन करनी है, ये यहां से आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं जियोलाइट को, क्योंकि जियोलाइट के छिद्र, बिल्कुल जब मैं जियोलाइट के बारे में बोलता हूँ ना, तो आपको ऐसा समझना चाहिए, आपने ये चीज़ देखी, फोम है ये, फोम, इसमें छिद्र होते हैं ना, डबल ब्रेड आपने देखा है, ठीक है। आप एक बार को इसके छिद्र या डबल ब्रेड के छिद्रों को तो कहोगे कि सर वो तो साइज जो है उनका थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, पर यदि मैं कहूँ कि आप मधुमक्खी का छत्ता देखो एक, तो उसके जितने भी छिद्र आपको दिखाई देंगे उनका साइज और डिजाइन तो बिल्कुल एक जैसा होगा। तो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि उसके छिद्रों का साइज भी बिल्कुल एक जैसा होगा और उनकी शेप भी बिल्कुल एक जैसी होगी। तो इसी तरह होते हैं जियोलाइट पानी उड़ने के बाद, ठीक है। अच्छा, एक हेडिंग लिख लो आप जियोलाइट में, हेडिंग लिखो उपयोग। चलो इसके उपयोग देखते हैं, जियोलाइट के उपयोग हमें यदि एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो जियोलाइट के उपयोग क्या क्या लिखने हैं। तो पहला उपयोग तो आपको लिखना है वर्णात्मक उत्प्रेरक, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, वर्णात्मक उत्प्रेरक के रूप में। तो इसका प्रयोग हम वर्णात्मक उत्प्रेरक की तरह करते हैं जियोलाइट का, ठीक है। नंबर दो, धनायन विनिमायक के रूप में, यानी धनायन एक्सचेंज करने हो, धनायन की अदला बदली करनी हो, तो उसके लिए भी ये काम करता है जियोलाइट। नंबर तीन, तीसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है आणविक फिल्टर के रूप में, आणविक छलनी कह दो या छन्नी कह दो या फिल्टर कह दो, एक ही बात है। ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है जो मैं इस बार पॉइंट लिख रहा हूं, आणविक फिल्टर के रूप में। देखो मैं समझाता हूं इसे, जो हमारा जियोलाइट है उसमें मैंने आपको बताया कि जियोलाइट होता है छिद्रित, यदि उसके जल के अणु उड़ गए हैं तो वो कैसा होगा, पोरस होगा, छिद्रित होगा, सैरंध्र होगा। तो आप यदि एक पर्टिकुलर साइज के अणुओं को अलग करना चाह रहे हो तो इसे आप फिल्टर की तरह, छलनी की तरह या छन्नी की तरह प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपके पास अनाज है, फॉर एग्जाम्पल गेहूँ है, और गेहूँ में से आपको सरसों अलग करनी है, सरसों के दाने तो देखे हैं आपने, सरसों का दाना तो होता है छोटा और गेहूं का दाना होता है बड़ा। तो यदि गेहूं में से सरसों अलग करनी, तो आपकी माताजी या घर में जो भी बड़े हैं वो क्या करते हैं, गेहूं को उसमें से सरसों को अलग करने के लिए एक विशेष प्रकार की छलनी या फिल्टर का प्रयोग करते हैं, उसमें गेहूं को डाल देंगे और ऐसे हिलाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो सरसों के छोटे दाने हैं वो नीचे निकल जाएंगे। कौन से दाने नीचे निकलेंगे, जो छलनी के छिद्रों में से सरलता से जा सकते हों, और कौन से दाने नहीं निकलेंगे नीचे, जिनका साइज उन छिद्रों से बड़ा होगा।
तो आप जैसे गेहूं और सरसों के दाने को एक छलनी से अलग करते हो, इसी तरह अणुओं को भी उनके आकार के अनुसार आप अलग कर सकते हो। पर अणुओं को आकार के आधार पर अलग करने के लिए एक विशेष प्रकार की छलनी या फिल्टर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और वो छलनी या फिल्टर क्या है, वो है हमारा जियोलाइट, क्योंकि इसमें भी छिद्र हो जाते हैं, पोरस हो जाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? अब जल्दी से पोज करके लिखो, आप पहले इसे लिखो बेटे। ठीक है, तो बेटे हमें जो है जियोलाइट के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट नोट टिप्पणी लिखने के लिए आएगी एग्जाम में, और यदि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनमें से ही आ जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, यूनिट हमारी। अब मैं कल को आपको कराऊंगा हमारी इस यूनिट के, यानी यूनिट नंबर 11 पी ब्लॉक तत्व के एनसीईआरटी के उदाहरण। कल मैं एनसीईआरटी के उदाहरण सारे करा दूंगा, और फिर परसों से मैं स्टार्ट करूंगा इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।